आज भी ऐसी साबुन बनाने वाली कंपनी है जो आज भी पुरानी तकनीक और पारंपरिक तरीके से साबुन का निर्माण करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाएंगे आज भी बिना मशीन पुरानी तकनीक से साबुन कैसे बनाया जाता है और ये साबुन मैल को अच्छे तरीके से साफ भी कर देता है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये है पैलेसिटाइन में उपलब्ध नेबुला सोप फैक्ट्री। आज के समय में भी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ पर कपड़े धोने का साबुन तैयार किया जाता है। कपड़े धोने के साबुन को बनाने के लिए मुख्य रूप से वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल के साथ कास्टिक सोडा और पानी को मिलाकर गर्म किया जाता है। साबुन का पेस्ट तैयार हो जाने के बाद इस बड़े से हाल में साबुन को बिछा दिया जाता है। फैक्ट्री में वर्कर साबुन को समान रूप से फैला देते हैं और साथ ही साथ तेल का इस्तेमाल करके चेक कर लिया जाता है कि साबुन की परत की मोटाई हर जगह समान रहे। साबुन की इस परत को 24 से 48 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब साबुन की परत सख्त और तैयार हो जाती है, इस लकड़ी के झाड़ू की मदद से साबुन के ऊपर खुरदरे परत को हटाकर स्मूथ बना लिया जाता है। इस प्रोसेस के अगले स्टेज में साबुन की परत के ऊपर बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाए जाते हैं ताकि साबुन की टिक्कियों के रूप में काटने में आसानी हो। इसके बाद लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल करके एक साबुन की टिकिया पर कंपनी का नाम छाप दिया जाता है। साबुन बनने के लिए इस प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साबुन की टिकिया पर लकड़ी के हथौड़े से इस प्रकार से छपाई शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। छपाई के बाद साबुन की टिकियाओं को कटर का इस्तेमाल करके समान भागों में काट लिया जाता है। तो ये लीजिए बन गई कपड़े धोने की साबुन की टिकिया। इस प्रकार के साबुन के निर्माण में यह कंपनियां बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर बनाए गए साबुन की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहती है। साबुन की टिकिया को हाथों से ही पैक कर लिया जाता है। तो ये भी जान लेते हैं जिन साबुन का इस्तेमाल हम रोज नहाने के लिए करते हैं उनको फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। साबुन बनाने के सफर की शुरुआत होती है एक बड़े से बॉयलर में जहां वेजिटेबल ऑयल, कास्टिक सोडा और सभी जरूरी केमिकल्स का मिश्रण तैयार किया जाता है और उसके बाद मिश्रण में एक निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उबाला जाता है। अच्छी तरह से उबालने के बाद इस मिश्रण को एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है जिससे गुजरते हुए लिक्विड ठंडा होने लगता है और साथ ही टेम्परेचर कम हो जाने के कारण इसमें मौजूद वेजिटेबल ऑयल जमने लगता है और इसे पपड़ी जैसा रूप देता है। इसके बाद यह पपड़ी बेल्ट के ऊपर घूमते हुए रोलर के बीच चली जाती है और रोलर से गुजरने के बाद यह एक लंबी पट्टी का आकार ले लेती है। इसके बाद इसे बड़ी बेल्डिंग मशीन में डाला जाता है जहाँ जाने के बाद ये पट्टियाँ अच्छी तरह से पिसकर पाउडर के रूप में बनाई जाती हैं। इसके बाद इन पाउडर को एक मशीन में डालकर तकरीबन 75 मिनट तक चलाया जाता है। इसके बाद ये पाउडर बारीक दानों का रूप ले लेती है और आगे जाकर कंटेनर में गिर जाती है जहाँ साबुन को मनचाहा रंग देने के लिए कलर मिलाया जाता है। पर दोस्तों, यह तो ही रंगों की बात, पर जब तक आपका साबुन अच्छी खुशबू नहीं देता तब तक ये अधूरा है। तो दोस्तों, अब बारी आती है फ्रेग्रेंस की। साबुन की सुगंध के लिए इसमें फ्रेग्रेंस लिक्विड मिला जाता है और इन सभी को 15 से 20 मिनट तक मिला जाता है। कई साबुन में मॉइस्चराइजर के लिए ग्लिसरीन भी मिलाई जाती है। ये साबुन को अधिक प्रभावी और स्किन फ्रेंडली भी बनाती है। अब तक साबुन अपने सफर का 70% हिस्सा पूरा कर चुका होता है, पर बिना एक निश्चित आकार के साबुन का मार्केट में पहुँचना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें एक लंबे सांचे में डालकर 15 से 20 मिनट तक सेट किया जाता है। अब साबुन सांचे में अच्छे से तैयार हो जाता है, फिर इसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है। रिपोर्ट सही आने के बाद इसे आगे भेज दिया जाता है, फिर इन्हें एक बड़े ब्लॉक का आकार मिल जाता है। इसके बाद एक मोल्ड कटिंग मशीन से एक निश्चित आकार में कटकर साबुन की शक्ल दी जाती है। अब ये साबुन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी बाकी है। अब इन सभी साबुनों को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। सामान पैक हो जाने के बाद इसे बड़े बड़े बॉक्स में भर दिया जाता है। अब ये साबुन मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, साबुन को फैक्ट्री से आपके बाथरूम तक पहुंचाने में कितना वक्त लगता है, कितना सफर तय करना पड़ता है, आज की वीडियो में आपने ये जान ही लिया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।